नमस्कार, मैं निकिता वर्मा, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह कहते हैं, चाहे कैप्टन विक्रम बत्रा हो या सौरभ कालिया, जिस तरह से उन्होंने देश के लिए, हिमाचल के लिए अपनी जान कुर्बान की है, अब समय आ गया है जब राज्य का अलग प्रतिनिधित्व होना चाहिए सेना में। मैं इस मुद्दे को पूरी गंभीरता के साथ लोकसभा में उठाऊंगा कि भारतीय सेना में हिमाचल प्रदेश की एक रेजिमेंट होनी चाहिए। मुझे पता है कि रक्षा में राज्यों की प्रमुखता नहीं दी जाती, बल्कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और उच्च प्रतिनिधित्व को देखते हुए उन सेवाओं में राज्य के युवा। अब समय आ गया है जब अपने जीवन का बलिदान देने वालों को उचित सम्मान देने के लिए राज्य में एक अलग रेजिमेंट होनी चाहिए। स्वाभिमान से संबंधित है, जिस तरीके से हमारे शहीदों ने देश के लिए जान दी है, चाहे वो कैप्टन विक्रम बत्रा है, चाहे वो सौरभ कालिया है, चाहे वो और ऐसे वीर सैनिक है जो हिमाचल के लिए शहादत जिन्होंने दी है, अब ये समय आ गया है कि हिमाचल की अलग रिप्रेजेंटेशन भारतीय सेना के अंदर होनी चाहिए। एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम मंडी संसदीय क्षेत्र, फ्रॉम मंडी, मेरी ये प्राथमिकता रहेगी और इसको मैं पूरी गंभीरता से लोकसभा के अंदर आने वाले समय में उठाऊंगा कि हिमाचल की अलग रेजिमेंट जो है वो भारतीय सेना के अंदर होनी चाहिए। हम जानते हैं कि डिफेंस में जो है वो प्रदेशों को तवज्जो नहीं दिया जाता, मगर जो रीजनल एस्पिरेशंस हमारे प्रदेश की है और जो हाई रिप्रेजेंटेशन हमारे प्रदेश के युवाओं की जो है वो सर्विसेज में है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, चाहे वो आपका पंजाब रेजिमेंट है, चाहे वो जेएनके राइफल्स है, चाहे वो और जितनी हमारी बटालियंस है या रेजिमेंट्स है, ये समय आ गया है कि हिमाचल की एक अलग रेजिमेंट आने वाले समय में होनी चाहिए, ताकि ड्यू ऑनर हिमाचल के जो हमारे योद्धा है जिन्होंने हिमाचल के लिए शहादत चाहे वो पुलवामा में दी है, चाहे वो कारगिल के युद्ध में दी है, चाहे वो आपके अलग अलग जो स्कर्मिशेस बॉर्डर पर होते रहते हैं पाकिस्तान के साथ पीओके में, ये हमारी उनके लिए एक ट्रिब्यूट होनी चाहिए और इस विषय को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे सेंटिमेंट्स है, ये हमारा एक कर्ज है हमारे उन शहीदों के लिए जिसे हमें आने वाले समय में निश्चित तौर से उठाना है। और ये मेरा वादा है कि आने वाले समय में इस विषय को मैं पूरी गंभीरता के साथ हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के साथ, मंत्री के साथ भी उठाऊंगा और हमारे लोकसभा के अंदर भी आने वाले समय में उठाऊंगा, ताकि हमारे जो यहाँ के सैनिक हैं, हमारे यहाँ के लोग हैं, उनको ये शहादत जो है वो सरकार की ओर से मिल सके।